स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, साथ ही साथ भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अमित भंडारी और जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी और मेरे साथ दामिनी भी हैं। सबसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कल धोनी ने किस तरीके से धमाका किया और चेन्नई सुपर किंग्स को दिलाई शानदार जीत। चेपॉक में धोनी ने किया धमाका, धोनी ने किया राजस्थान को बेरंग, बल्ले से धोनी ने जमाया रंग। धोनी ने 163.04 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ 46 गेंदों पर नाबाद 75 रन की पारी खेली। इस दौरान धोनी के बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। चेन्नई में धोनी का ये बेस्ट स्कोर है। धोनी जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तब चेन्नई की टीम मुश्किल में थी, लेकिन धोनी ने न सिर्फ बड़े शॉट लगाए बल्कि एक ओर से विकेट थाम कर रखा। सेट होने के बाद धोनी ने बल्लेबाजी का गियर बदला और राजस्थान के गेंदबाजों पर वार किया। महेंद्र सिंह धोनी ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद भी धोनी ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। धोनी इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं। धोनी ने इससे पहले दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में अहम पारी खेलकर चेन्नई की टीम को जीत दिलाई थी। धोनी ने दिल्ली के खिलाफ 35 गेंदों पर 32 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। महेंद्र सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये ढलान है, लेकिन अगर इस तरीके का ढलान हो तो शायद क्रिकेट फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि खिलाड़ी जो है 2-3 साल और खेले। नहीं, क्रिकेट फैंस नहीं, क्रिकेटर्स भी ये कहेंगे कि हमारी ऐसी ढलान रहे, क्योंकि धोनी जिस तरह से इस समय बैटिंग कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत क्लियर है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि इस साल का पूरा उनका लेखा जोखा निकाल लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शुरुआत की, मैन ऑफ द सीरीज मिला वहाँ पर, मुझे लगता है कि धोनी सोच तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पिछड़ रहे थे अपनी बैटिंग का, जहां तक सवाल है। राइट। लेकिन जिस तरह से इस पूरे साल में वो बैटिंग कर रहे हैं और कल जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, ये विराट कोहली के लिए, इंडियन सिलेक्टर्स के लिए और जो क्रिकेट प्रेमी है, भारतीय क्रिकेट प्रेमी है, उनके लिए बहुत बढ़िया खबर है। क्योंकि वर्ल्ड कप अगर इंडिया को जीतना है तो धोनी का चलना बहुत जरूरी है, और जिस लय में कल दिख रहे थे उससे लग रहा है कि धोनी आपको बैट से भी मैचेस अभी भी जिता सकते हैं। अमित भाई, एक ऐसा बल्लेबाज जिस पर शायद आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप उठाएंगे तो शायद धोनी सबसे ज्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज होंगे, और भारतीय क्रिकेट की भी बैटिंग लाइनअप उठाएंगे तो विराट कोहली है या फिर महेंद्र सिंह धोनी। और कल धोनी ने एक बार फिर दिखाया, क्योंकि चेन्नई मैच में थी नहीं, अगर मैच को किसी ने बनाया तो शायद धोनी थे। देखिए, जब धोनी तभी खेलते जब टीम मुसीबत में होती है, और दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि पहली बार, रिकॉर्ड भी आईपीएल के अंदर कि 14 बार मैन ऑफ द मैच इन्होंने लिए, उसके बाद विराट कोहली वगैरह जिन्होंने एज ए कैप्टन मैन ऑफ द मैच कम लिए होंगे, इनसे ज़्यादा नहीं लिए, तो एक जो एक्सपीरियंस का जो काम होता है ना, वो धोनी को पता है कि उन्होंने क्या करना है और कब मारना है कब नहीं मारना। तो उन्होंने देखा कि जब 3 आउट हो गए, उनको लगा कि आप पहले हम 10 ओवर तक देखेंगे कितने रन बनते हैं, विकेट साथ में होंगे तो लास्ट में रन बना पाएंगे, क्योंकि बैटिंग तो 9-10 नंबर तक इनकी बैटिंग दीपक चाहर भी कर लेते हैं, पर वह है कि फिनिश कैसे करना है ये इनसे सीखना चाहिए, कि मैच को लास्ट ओवर तक नहीं छोड़ना, ये धोनी ने करके दिखाया। अगर वो लास्ट ओवर में 28 रन नहीं बनते तो शायद मैच का रुख भी डिफरेंट हो सकता है। जितना अच्छा महेंद्र सिंह धोनी को मैंने सिचुएशंस को एसेस करते हुए देखा है, भांपते हुए देखा है कि किस सिचुएशन में किस तरह की बैटिंग करनी है, मैंने बहुत टाइम हो गया क्रिकेट देखते हुए और खेली भी काफी है, मैंने किसी को इतना बढ़िया प्लानिंग के साथ मैच को आगे बढ़ाते हुए नहीं। हरपाल सर, कई बार कहा जाता है ना कि कप्तानी आपके ऊपर आती तो बोझ लेके आती है, भारतीय क्रिकेट में भी ऐसा ही हुआ है, जब कप्तानी मिली, अगर बल्लेबाज रहे हो सचिन तेंदुलकर रहे, उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई, सौरव गांगुली की भी ठीक ठाक रही, रिकी पोंटिंग वर्ल्ड क्रिकेट में अगर हम बोले कि ऐसे कप्तान रहे लेकिन उनके पास टीम बहुत जबरदस्त थी, क्या धोनी उस लीग में अलग है जो कप्तान भी रहे लेकिन परफॉर्मेंस कभी प्रभावित नहीं? अलग है। अगर आज भी मगर सवाल ये बड़ा गलत सवाल है कि धोनी को अभी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये कहना कि ढलान पे है और ये ऐसे, बिकॉज ही इज ए ग्रेट प्लेयर जी, और वो लेजेंड है भारतीय क्रिकेट, जैसे फेडरर हुआ उस लेवल पे आ जाएंगे आप, तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाँ, जब ये जैसे मनीष सच का, अगर कोई क्रिकेटर कहता है ये क्या कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है, जैसे विराट कोहली के बारे में यार इसकी फॉर्म नहीं चल रही, यू डू नॉट टॉक अबाउट अदर प्लेयर्स जी, उनादकर के बारे में कोई भी नहीं कोई बोलेगा इसको क्या हुआ, धोनी के बारे में बोलेंगे ना, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एट द मोमेंट, एक्सपीरियंस है और कप्तानी का वो दबाव नहीं है, और कप्तान को उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों चीज डबल रोल है आपका, कि आप कप्तान भी रहे मगर दूसरा कप्तान आपके बगैर काम भी नहीं कर सकता। अगर आज विराट कोहली इसकी तारीफें कर रहा है कि इसकी जरूरत है, तो ये आप समझिए उसको बड़ी जरूरत है इसकी, वरना कोई कप्तान इस हमारे जितने मनी विल एग्री विद मी, इसी कप्तान ने दूसरे कप्तान की कभी तारीफ नहीं की। ये हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है वो भी पॉलिटिक्स की तरह, एक लीडर बनकर दूसरे को कर, मगर अगर विराट कोहली को बार बार ये कहना पड़ रहा है धोनी के बगैर काम नहीं चलेगा, इसका मतलब कुछ है इस बात में। सर, मन में जरूर की है,
लेकिन ओपन ही कभी किसी को सुना नहीं है हमने। सो ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि धोनी का हमने देख लिया मैदान के ऊपर, जब भी किसी कप्तान को परेशानी आती है इनकी तरफ भागते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा जब कैप्टनसी कर रहे हो। जब विराट कोहली 2019 की बात हो रही है कि 2019 वर्ल्ड कप खेलने के बाद महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले सकते हैं, 2020 में भी वर्ल्ड T20 खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, क्या वहां तक के लिए भी धोनी तैयार है अगर जिस हिसाब से बल्लेबाजी? देखे मैंने क्या कहा कि ये बहुत बढ़िया तरीके से सिचुएशन को भांपते हैं, असेस करते हैं, ये 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अब असेस करेंगे कि मुझे आगे क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी, और ये धोनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी उन्होंने अपनी शर्तों पे छोड़ी थी। हालांकि मैंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था कि सीरीज के बीच में नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन ये धोनी को पता है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हर खिलाड़ी को पता होता है, उसके अंदर घंटी बज जाती है कि मेरा टाइम हो चुका है, छोड़ना कब है ये क्वालिटी होनी चाहिए। T20 तो वर्ल्ड कप फिर 8-9 महीने के बाद ही हो जाएगा ना, फरवरी मार्च में, उतना तो कर सकते हैं, बट ये रिटायर का तो आया है, ऐसा तो नहीं ही कैन नॉट कंटिन्यू, आफ्टर ऑल ही इज ह्यूमन बीइंग, अगर अच्छी भी हवा ना दें कि वो आदमी है, कंप्यूटर नहीं है, रोबो नहीं है, कितने खेलता जाएगा, बट आई थिंक अगर इसमें अच्छा किया वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में, देन ही विल प्ले T20। 2020 का भी दरवाजा खुल जाएगा। दाम निकल, आपने मुकाबला देखा और आप चेन्नई की बहुत बड़ी फैन है, क्या लग रहा था जब तक धोनी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे? नहीं, बहुत स्लो जा रहा था पहले तो मैच, तो मेरे को लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स जीत जाए, हालांकि मैं चाहती भी थी कि राजस्थान रॉयल्स जीते क्योंकि वो अभी तक एक भी मैच नहीं जीती, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया कि वो क्यों बेस्ट टीम कहलाती है। और धोनी की बैटिंग सबसे इम्पोर्टेंट रही, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। जी हाँ, जिस तरीके की बल्लेबाजी की महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से बताया कि किस तरीके से वो तैयार हैं। लेकिन अमित भाई, एक खास पहलू ये भी इस बल्लेबाजी का रहा महेंद्र सिंह धोनी के, स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा, और जो हम कह रहे हैं कि कप्तान की पारी की जरूरत होती है वो करके दिखाई राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में। देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि डिबेट करना एक उनके लिए, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको अपना रोल पता है, उन्होंने क्या करना है, जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली अब जिस स्टेज में है वो इतने फेजेस देख चुके हैं कि उनको पता है कि मुझे क्या करना है, कोई उनको समझा के कहेगा आप ऐसे खेलो वो नहीं हो सकता, वो अपने एक्सपीरियंस से इतने मैच जिता चुके हैं अब तक हिंदुस्तान के लिए, और अभी भी जी अमित भाई, खास बात ये भी है कि 38-39 की एज में हमने किसी खिलाड़ी को इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा। आप काउंटी क्रिकेट में चले जाइए, माइक गेटिंग या बाकी खिलाड़ी वहां पे मारते रह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट या इस टाइप की क्रिकेट जो कि आईपीएल लीग वाली क्रिकेट होती है उसमें कोई खिलाड़ी 38-39 में इतनी जबरदस्त तरीके से रन मारे अपने आप में बताता है। कप्तानी भी सॉलिड है, बल्लेबाजी भी सॉलिड है। चले, जसविंद कैसे मनाया चेन्नई सुपर किंग्स ने वो सबसे पहले दिखाते हैं। सीएसके का जश्न आप देख रहे हैं, शानदार जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, सारे खिलाड़ी केक काट रहे हैं वहां पर और केक खाते हुए भी नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के चेहरे पर भी केक को लगा रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत राजस्थान रॉयल्स पर, आखिरी ओवर तक मैच गया, हालांकि काफी रोमांचक मैच था। चलिए मनी सर, मुकाबला आज एक और है, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, और सब यही सोच रहे हैं कि क्रिस गेल वो भी धमाका करें, ऋषभ पंत उनकी तरफ से भी कुछ सक्सेस की बरसात हो, देखिए रिपोर्ट। गर्जेगा गेल का बल्ला, पंत दिखाएंगे पराक्रम, पृथ्वी लहराएंगे जीत का परचम, मोहाली में होगा राहुल का राज। पंजाब और दिल्ली का सामना रात 8 बजे से मोहाली में होगा। दिल्ली की टीम ने लीग में खेले अभी तक 3 मैच में 2 में जीत दर्ज की है, तो वहीं पंजाब की टीम भी 3 मैचों में 2 बार जीत हासिल कर चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, जिसके पास पृथ्वी शॉ का दम है और शॉ ने जिस अंदाज में कोलकाता के खिलाफ बल्लेबाजी की थी उसे देखते हुए लग रहा है कि एक बार फिर से मोहाली में फैंस को पृथ्वी की पावर देखने को मिलेगी। केकेआर के खिलाफ पृथ्वी शॉ ने 55 गेंदों पर 99 रन बनाए थे। पृथ्वी ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 3 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल ने सीजन में खेले 3 मैच में 165.47 के स्ट्राइक रेट से 139 रन बनाए हैं। इस दौरान सीजन में गेल के बल्ले से 10 छक्के भी निकले हैं। तो वहीं मुंबई के खिलाफ लोकेश राहुल ने 57 गेंदों पर 71 रन बनाए। लोकेश राहुल ने इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का जड़ा था। तो दिल्ली वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, दोनों टीमों ने अपने पिछले मुकाबले जीते हैं। किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हराया, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में केकेआर को हराया और एक धमाकेदार जीत दर्ज की। दामिनी, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो इस मैच के लिए? मैं तो दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली कैपिटल काफी फॉर्म में नजर आ रही है। ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, सारे के सारे प्लेयर्स काफी फॉर्म में है और शिखर धवन का तो लकी ग्राउंड है।
पंजाब का। जी हाँ, तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि वही जीतेंगे। बिल्कुल, डेब्यू में सेंचुरी मारी थी और अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सेंचुरी थी वहां भी 143 रन खेली थी, जीते नहीं थे लेकिन इंडिया उस मैच को, क्योंकि एस्टन टर्नर वहां पर आ गए थे। हरपाल सर, आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने कहा था दो तीन मैच दे दीजिए, तो दो तीन मैच हो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स। मैच अच्छा खेले, हारने वाला मैच भी अच्छा खेला, वेरी सरप्राइजिंग, अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर जब हार के तो हार के, और कितना भी अच्छा खेले आपको पॉइंट तो चलेगा ना जी। तो मेरा ख्याल है अच्छा, अगर आप स्टैटिस्टिक में जाए, जैसे आपको शौक है ज्यादा स्टैटिस्टिक, इधर तो पंजाब ही जीता अगेंस्ट दिल्ली के पिछले चार मैच जी, और पहली बार एक बार, क्योंकि दिल्ली की टीम तो वो सब वो जेली नहीं हो पा रही थी ना पिछले कई साल से, तीन मैच बहुत कमजोर सी टीम थी, बट दिल्ली है से मतलब इक्वल मुकाबला होगा इसमें, कहना जिस तरीके के मैच चल रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इससे हटके, जैसे धोनी की तारीफ की गई, मैं मनी से भी पूछूंगा, अमी से भी पूछूंगा, या आप भी पूछिए कि जितने भी प्लेयर हैं उनमें से आप देखेंगे जितने फॉरनर आए हैं दे हैव बीन कंसिस्टेंट। आपने एक एक मैच उठा के देखा, पृथ्वी शाह ने ये किया एक मैच, ऋषभ पंत ने एक किया ये मैच, तो अभी तो शुरुआती फेज ही चल रहा है, तीन ही मैच तो हुए सर, अभी तीन मैचों में खेलने को मिले आपके आंद्रे रसल, तीनों मैचों में वार्नर, डेविड मैच, डेविड ब्रेस्टो तीनों मैचों में, आपके बॉलर जो रबाडा मैचों में, नबी उसने और राशिद जो फॉरनर है दे हैव बीन कंसिस्टेंट, गेल तीनों मैचों में, आपको इंडियन का चुन चुन के आपने बताया, वो मुझे भी याद हो गया ना कि मैं भूल जाता हूँ, आपको बताया पृथ्वी शाह ने पिछली बार कहा और उसने ऋषभ पंत ने उसको कच किया, ऋषभ पंत के ना अलग अलग हमारे उसमें बैटन पास हो रही है, पृथ्वी शॉ के पास चले गए, शायद आज शिखर धवन को, अमित भाई कुछ कह रहे हैं कि आप जो भी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं 2020 का, हमारे एक बीसीसीआई का रूल है कि हमारे को किसी भी प्लेयर को दूसरी 2020 लीग खेलने नहीं देते, और ये जितने प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं ये लीग खेल के वर्ल्ड के अंदर लीग खेलते हैं, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जहां जहां आप खेलते हो तो आप वहां डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हो, शायद ये एक सक्सेसफुल है ओवरसीज प्लेयर का। क्या टर्न अराउंड कर सकता है अमित भाई, क्योंकि पिछला मैच जो फंसा दिल्ली, ऐसा लग रहा था कि मैच को जीत जाएगी, मैच उन्होंने खुद फंसाया, सुपर ओवर तक ले गए, लेकिन सुपर ओवर से जो जीत हासिल की वो मॉरल विक्ट्री के तौर पर सामने आई होगी उनके, और क्या एक अलग साइड हमें दिखेगी? देखिए अलग साइड दिख रही है, अगर आप इस टीम के एवरेज प्लेयर देखो, यूथ है, अगर आप 6-7 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको आप दिल्ली कैपिटल्स अगले 4 साल अगर इन्वेस्ट करती हो तो मेरे को लगता है बेस्ट टीम बनेगी, जैसे चेन्नई बनी है, अगर आप इन पे भरोसा, अगर ये इन प्लेयरों को भी जाने देंगे तो ये प्लेयर फिर वापस आपको वापस नहीं मिलेंगे। फर्स्ट सीजन से स्मार्ट टीम थी, लेकिन मनी सर मेरा सवाल ये, लोकेश राहुल ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, एक शायद एडेड एज मिला होगा किंग्स इलेवन पंजाब को, क्योंकि पहले लग रहा था जब जो भी एड उनका चल रहा था, जो भी कैंपेनिंग चल रही थी क्रिस गेल के इर्द गिर्द चल रही थी, लेकिन सडनली लग रहा है लोकेश राहुल है, मयंक अग्रवाल है, कुछ प्लेयर हैं उनके पास जो कि टीम को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं, मयंक अग्रवाल तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, जिस तरह से बैटिंग करते हैं और जिस तरह से उन्होंने सुधार किया अपने खेल में। जहाँ तक केएल राहुल का सवाल है, वो भी एक बढ़िया प्लेयर है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके कुछ फेलियर्स होते हैं, जैसे पहले 2 मैचेस में हुए थे, तो फिर आप सोचते हैं कि मुझे करना क्या है, फिर आप नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि मैं जाके अपने ही गेम खेलूंगा जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, जो कि उन्होंने पिछले साल किया था, और जो जो रन बनाए पिछले मैच में वो कुछ वैसी ही बैटिंग कर रहे थे जैसे वो पिछले साल बैटिंग कर रहे थे। सो कई बार फेलियर्स भी आपको वो स्टेपिंग स्टोन हो जाते हैं, वो सीढ़ियाँ बन जाती है आगे बढ़ने के लिए, और वो किया केएल राहुल ने। लेकिन इस मैच में कई हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, केएल राहुल की आपने बात की, मयंक अग्रवाल की आपने बात की, पृथ्वी शॉ, जो मुझे फ्यूचर लग रहे हैं इंडियन आगे आने वाले बैटिंग लाइनअप का, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, और फिर फेवरेट ग्राउंड है मोहाली, शिखर धवन का मोहाली। सो मुझे लग रहा है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर एक्सेल कर रहे हैं। हरपाल सर, आपने तो इतनी क्रिकेट कवर की, इतने सारे वर्ल्ड कप कवर किए, पृथ्वी शॉ के बारे में आपका अपना आंकलन क्या है? 99 रनों की उन्होंने पारी खेली, लोग कह रहे हैं वो लिटिल मास्टर है, कोई कह रहे हैं मास्टर ब्लास्टर है, अगले सचिन तेंदुलकर भी है। कहां सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर भी तड़पेगा ना, सुन कैसी बात ना करें, कंपेयर ना करें किसी को। और ये मैंने देखा जिस भी प्लेयर को आपने छोटा, एक मनीष पांडे होते थे, आप याद अभी भी है, अभी भी है ना जी, होते थे ना, उसका संजीव भाई यही है असली, बस आ गया वो, कहां गया? जिस भी प्लेयर को आपने खेलने नहीं दिया, ऋषभ पंत पर भी अपना से प्रेशर डाल दिया जी, धोनी वगैरह पर, उसका तो सोशल मीडिया भी नहीं था इतना था तब, देख जितने भी पुराने प्लेयर आपके देखे, तेंदुलकर से लेके मनी भी लगी भी, वो सारे थे कि प्रेशर नहीं था सोशल मीडिया का। आप तो हर चौथे बार सेंचुरी बनाते तो नहीं, नया नया इसमें यही आया था कि हार्दिक पांड्या अगले कपिल देव, अब देखिए फिर क्या हुआ हार्दिक पांड्या को, अब स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक यू शुड नेवर कंपेयर प्लेयर विद अदर प्लेयर, कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे, कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और अच्छे कमेंट लेंगे हरपाल सर से, मनी सर से और अमित भाई से थोड़ी देर के बाद।